हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर से हैं? आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल ईद की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बकरा ईद पे कलेजी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनती है, लोग सब बनाते हैं, और आज वही रेसिपी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। हमने कलेजी ले लिए तकरीबन आधा किलो कलेजी ले ली है, और इसको अभी तक हमने धोया नहीं है। सबसे पहले हम इसको धोए बगैर कट कर लेंगे। आइए हम बहुत ही आराम से कलेजी को कट करते हैं। सबसे पहले आपने इसको दरमियान से आधा कर लेना है। इसको बहुत ही छोटे पीसेस में आपने कट करना है। आपको जैसे पीसेस पसंद हैं वैसे करें। हमने बहुत ही छोटे इसको पीसेस में कट किया है। कलेजी जो है आप देख सकते हैं, हमने बहुत ही छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है जी, लहसुन ले लेना है। लहसुन की हमने एक गड्ढी ले लिए हैं, जिसको छिलके समेत ही अलग कर लिया है, और अब हम इसको करेंगे जी पीस लेंगे हम इसको अच्छे से। ये देखें, अच्छे से हमने लहसुन को पीस लिया है। अब पीसने के बाद हम इसको सारा का सारा जो लहसुन है वो हम कलेजी को अच्छे से लगा देंगे, ताकि इसकी स्मेल जो है वो दूर हो जाए। आपने याद रखना है, लहसुन को जो है वो अच्छे से धो लेना है छिलके समेत, उसके बाद आपने इसको पीसना है। इसको 15 मिनट के लिए हम कलेजी को लगा देंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब आइए हम कलेजी जो है, जिसको हमने लहसुन लगा दिया था, उसको हम अच्छे से धो लेते हैं। आपने बहुत ही अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। खुले पानी से आपने इसको धो लेना है अच्छे से, और साइड पे एक प्लेट में निकाल के जाना है। हमने कलेजी को जो है अच्छे से धो लिया है। अब इसके बाद हम लगाने लगे हैं जी इसको मसाला, क्योंकि हम बना रहे हैं जी मसाला कलेजी। और सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे जी दूध की क्रीम। दूध की क्रीम जो ऊपर से उतरती है, दूध के ऊपर से, वो हमने इसके ऊपर डाल दी है। तकरीबन 2 बड़े स्पून, यानी कि 2 बड़े चम्मच हमने डाल दिए हैं। इसके बाद हमने ले लिए हैं जी लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च कूटी हुई। 3 हरी मिर्च हमने कूट लिए हैं, और ये है जी 1 बड़ा चम्मच, यानी कि 1 बड़ा स्पून, टेबल स्पून खाने का चम्मच जो है वो हमने लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इसके ऊपर लगा देंगे, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद हम ले लेंगे जी मसाला जात। मसाले में हमारे पास शामिल है जी 1 टेबल स्पून रेड मिर्च, 1 स्पून जो है हमारे पास हल्दी है, 1 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला है, 1 टीस्पून हमारे पास जीरा पाउडर है, और 1 टीस्पून जो है हमारे पास खुश्क धनिया का पाउडर है। तो सारा जो है हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करें। और इसको अब मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी 1 लेमन का जूस। हमने इसका जूस निकाल लिया है लेमन का, और अब इसके अंदर हम एंड में ऐड कर देंगे। इसको अभी तक हमने नमक नहीं लगाया, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करके आपने रख देना है जी इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम डालेंगे जी 1/2 कप ऑयल, और अब हम वेट करेंगे जी ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। ऑयल हमारे पास गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी 1 टीस्पून जीरा हमने लिया है, और 2 हरी इलायची, 2 दालचीनी, और थोड़ी सी हमने ले ली है जी काली मिर्च। हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे ये वाले मसाला जार, और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करें। आपने याद रखना है जो फ्लेम है वो ज़्यादा ऊंचा ना हो, ताकि ये जल ना जाए। इसको अच्छे से मिक्स करें।
इसके बाद हमने दो अदद प्याज लिए थे और उसको अच्छे से चॉप कर लिया था। इसके बाद हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक आपने पकाना है। अभी से मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी बनने जा रही है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिल जाए। इसको 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे जी टमाटर, जो हमने बहुत ही बारीक चॉप कर लिए हैं। तकरीबन हमने 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं और इसको हमने अच्छे से चॉप किया है। इसके अंदर आपने पानी नहीं डालना, क्योंकि टमाटर का अपना पानी निकल आता है, जिससे ये अच्छे से गल जाते हैं। इसको अच्छे से हम पकने देंगे। मसाला जो है अच्छे से रेडी हो चुका है। अब आइए हम इसके अंदर डाल देते हैं जी मैरिनेट हुई हुई कलेजी, जो हमने मसाला लगा के रख दी थी। ये देखिए, हम सब इसके अंदर ऐड कर देंगे मसाला कलेजी जो बना रहे हैं भाई। हमने इसके अंदर ऐड तो करना है, इसको हमने सारा मसाला जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करें। कलेजी जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको आपने अच्छे से तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भूनना है मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, इसको अच्छे से भूनने, फिर देखते हैं जी इसके साथ करना क्या है। कलेजी जो है बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है। हमने नमक अभी तक इसके अंदर ऐड नहीं किया, क्योंकि अगर हम नमक इसके अंदर ऐड करते तो इसका पानी निकल आता और ये जो आपको टेस्ट देगी वैसा बिल्कुल भी ना रहता। हमने नमक अभी एंड में शामिल करना है। 1 टेबल स्पून हमने नमक कोली के अंदर डाला है, एक बाउल के अंदर डाल लिया है। उसके अंदर हमने पानी मिक्स किया है। पानी के अंदर आप डाल के मिक्स आराम से करें और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पानी के अंदर हमने डाल के नमक इसलिए इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि इससे आपकी कलेजी जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। इसलिए हमने इसको पानी के साथ मिक्स करके डाला है नमक को। अच्छे से हमने इसको मिक्स किया है और अब हम तकरीबन इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। हल्की आंच पर इसको बिल्कुल आपने रख देना है। 10 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम कलेजी को देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार कलेजी, मसाला कलेजी आपके पास रेडी हो चुकी है। एंड में बस हमने इसके ऊपर डालना है कि 1 टीस्पून गरम मसाला। आराम से, बिल्कुल आराम से इसको मिक्स कर देना है और अब हम इसको निकालेंगे जी एक प्लेट में, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। भाई बकरा ईद स्पेशल है तो भाई कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। तो आइए इसको हम सर्व करते हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार मसाला कलेजी बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी हरा धनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी हरी मिर्च, जो हमने छोटी छोटी काट ली है। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है आपके खानों में। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी मसाला कलेजी आपके पास बिल्कुल रेडी हो चुकी है। खाइए, इंजॉय कीजिए और अपनी बकरा ईद को और स्पेशल बनाइए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।